तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब 2023 इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ही यादगार रहने वाला है और युगों युगों तक मुझे लग रहा है इस साल को जाना जाएगा, क्योंकि भाई साहब यहां से बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार ने कमबैक किया है। देन उसके बाद बहुत सी ऐसे कंटेंट पब्लिक को मिला है भाई जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई साहब इस साल बॉलीवुड ने कमबैक किया है, ना कि एक दो भाई साहब तीन से चार फिल्मों के साथ इसने कमबैक किया है। और ऐसा नहीं था कि साउथ से कोई भी टक्कर की मूवी नहीं आई, भाई साहब खुद प्रभास की मूवी साउथ से आ रखी है, थलापति विजय की मूवी साउथ से आ रखी है, उसके बाद भी भाई बॉलीवुड में जो इस बार रुझान देखने को मिल रहा है वो अलग लेवल पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ से भाई साहब ऐसे सुपरस्टार यार लाइक प्रभास का कमबैक हुआ है, लाइक शाहरुख खान का कमबैक हुआ है, देन एनिमल से रणबीर कपूर का कमबैक हुआ है, और पब्लिक को जबरदस्त कंटेंट, मास मसाला सब कुछ पेल के मिला है। और ये सब इतना पॉसिबल इसलिए भी हो पाया क्योंकि भाई साहब इनके डायरेक्टर जो थे बहुत ही दमदार थे, उनका जो अलग स्टाइल है और वही स्टाइल का तड़का जब इन्होंने अपनी मूवीज में लगाया, वो जो विजन इनके पास था वो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि भाई साहब दिल में लोगों के दिलों में वो हिट करके गया है। तो अभी आज उन छह डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो ऑल टाइम मतलब पूरे 2023 में पूरे साल चर्चित रहे हैं, क्योंकि भाई साहब इनकी मूवी हिट हुई है तो ये भी हिट हुए हैं, और इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या क्या होने वाले हैं भाई सभी चीज़ों पर एक एक करके नज़र मारेंगे। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है भाई साहब, लाइक जरूर करें क्योंकि भाई YouTube के न्यू एल्गोरिदम्स आ चुके हैं, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो YouTube चैनल को बूस्ट नहीं करेगा। तो भाई साहब शुरुआत करेंगे सिद्धार्थ आनंद से, जिन्होंने भाई साहब 2023 में ही जनवरी में जो स्टार्ट किया है 2023, भाई इसके बाद जो ब्लॉकबस्टर मूवीज आई हैं पूरी रील धोके गई हैं, मतलब स्टार्टिंग जो सॉलिड करी है और वही स्टार्टिंग पूरे एंड तक छाई पड़ी है। पठान मूवी के साथ इन्होंने शुरुआत करी थी जो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर थी, फर्स्ट मूवी जिसने 1000 करोड़ टच किया बॉलीवुड से, और इस साल की पहली मूवी थी जिसने ब्लॉकबस्टर कमाई करी है। एक्शन मास स्पाई यूनिवर्स में जो तहलका मचाया है भाई सिद्धार्थ आनंद ने, दबा के एक्शन मिला है मूवी में और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है ये मूवी। 2024 में सिद्धार्थ आनंद यानी इस साल भाई जनवरी में फिर स्टार्टिंग करने वाले किसके साथ, फाइटर मूवी के साथ जो मेन लीड पर बनाई जा रही है ऋतिक रोशन के एंड अनिल कपूर एंड दीपिका पादुकोण के। तो भाई इस बंदे ने कसम खा रखी है, मतलब 2023 भी इसने स्टार्ट किया, 2024 भी स्टार्ट करना चाहता है और साल की शुरुआत ही दबा के ब्लॉकबस्टर होने वाली है। 2025 में ये टाइगर वर्सेस पठान भी लाने वाले हैं, तो भाई साहब बहुत मूवीज लाइन पर लगी पड़ी हैं। प्रीवियस ब्लॉकबस्टर मूवीज की इनकी बात करें तो भाई साहब वॉर हो गई, बैंग बैंग हो गई, अनजाना अनजानी हो गई, ऐसी ऐसी मूवीज ये ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं। नंबर टू पर भाई अटली कुमार की बात करें तो भाई साहब जवान जैसी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर दी है जिसने हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर भाई इस साल की नंबर वन ग्रॉसर है, 1150 करोड़ के आसपास इसने कमाई करी है, और क्या दमदार ये कंटेंट लेकर आए हैं, मतलब एक्शन मास एंड मिस्ट्री सस्पेंस का कंटेंट तो इसमें था ही था, लेकिन जिस मास के साथ उन्होंने सोशल मुद्दों को उठाया है, करप्शनल मुद्दों को उठाया है, जो पॉलिटिकल डर्टी गेम जो चलता है हमारे पीठ पीछे भाई साहब, उस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने सामने लेके आए हैं, साथ में एक्शन, भाई जो ये कॉम्बो देखने को मिला ये अटली स्टाइल था और अटली स्टाइल ने भाई लोगों के दिलों में दबा के राज किया है। अपकमिंग मूवी जवान 2 आने वाली है। प्रीवियस मूवीज की बात करें तो भाई साहब बिगिल, ठेरी और मार्सेल जैसी मूवी दे रखी है जो तीनों ही थलापति विजय के लीड में बनाई गई हैं। भाई थर्ड नंबर की बात करें तो संदीप रेड्डी वांगा, शुरुआत से ही भाई इस साल की जब शुरुआत हुई थी तभी से इस बंदे ने प्रॉमिस किया था कि वायलेंस का असली मतलब क्या होता है मैं बताएगा भाई, और जो बताया है इसने, मतलब लगातार अभी तक आते आते लोगों की जेब ढीली हो चुकी थी इससे पहले, क्योंकि 2-4 मूवी और आ गई थी जिन्होंने फाड़ के बिजनेस किया था, बावजूद इसके एनिमल ने जो कमाई करी है, एक्शन मास ब्रूटल वायलेंस भाई दबा के मिला है एज इट इज। संदीप रेड्डी वांगा का स्टाइल ये है कि एज इट इज सिनेमा को दिखाते हैं, जो सोसाइटी में है, जो असलियत में है, वही चीज उन्होंने अपनी मूवी में दिखाया, लाइक एडल्ट कंटेंट। ए रेटिंग मिली थी इस मूवी को, बावजूद इसके 800 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया है और अभी भी ये मूवी कमाई करते नजर आ रही है कहीं ना कहीं। तो भाई वांगा स्टाइल में जो हमें वायलेंस देखने को मिला है लोग इससे पागल हो चुके थे। अपकमिंग मूवीज की बात करें तो एनिमल 2 आएगी एंड स्प्रिट भाई प्रभास के साथ स्प्रिट आने वाली है, जो द बॉय लॉस्ट हिज स्प्रिट वाइल प्लेइंग अ वॉलीबॉल, जिसका कंटेंट ही अलग, भाई वांगा का स्टाइल ही अलग है, इसके कंटेंट ही अलग होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं होते हैं। वॉलीबॉल खेलते खेलते बंदे की स्प्रिट खो जा रही है, आप समझ सकते हो भाई स्पोर्ट्स का कनेक्शन है, और स्पोर्ट्स के कनेक्शन वाली मूवीज कहाँ फाड़ती हैं, और जब उसमें संदीप रेड्डी वांगा का स्टाइल
टाइल ऐड हो जाएगा तो भाई इसे ब्लॉकबस्टर हिट होने से भाई 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ हिट होने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। प्रीवियस ब्लॉकबस्टर मूवी की बात करें तो कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी, और इस बंदे ने जब भी अंडररेटेड स्टार को लिया है भाई इन्हें सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर स्टार बना के ही छोड़ा। लाइक कबीर सिंह से शाहिद कपूर एंड अर्जुन रेड्डी से हमें विजय देवरकोंडा जैसे सुपरस्टार मिले थे। चौथे नंबर की बात करें तो प्रशांत नील, और भाई प्रशांत नील को बताने की यही जरूरत है, इसे तो बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि जब से KGF आई थी प्रशांत नील लोगों के मुंह में रट गया था। सलार जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी थी भाई, साल के अंत में दी है, अगर स्टार्टिंग में आती तो भाई साहब ये मूवी 1,000 करोड़ टच करने से किसी का बाप नहीं रोक पाता, लेकिन इस टाइम पर लोगों की जेब हो चुकी है ढीली, दैट्स वाई कि उसे इतना खास कलेक्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन एक्शन मास वायलेंस में और सिर्फ वायलेंस में स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेके मिड से लेके इंटरवल तक लेके भाई साहब सिर्फ हमें वायलेंस ही वायलेंस इस मूवी में देखने को मिला है। मतलब ये मूवी सिर्फ वायलेंस की नींव पर ही रख के बनाई गई है और यही दिखाने का इसका पर्पस है। प्रशांत नील का आर्टिफिशियल दुनिया बनाई है जो खानसार है और वहाँ क्या होता है, वायलेंस बस। अपकमिंग मूवी सालार 2 आने वाली है जिसमें क्या मिलने वाला है, वायलेंस। तो भाई साहब प्रशांत नील इज इक्वल टू वायलेंस अगर कह दें तो कोई दो राय नहीं है। प्रीवियस मूवी की बात करें तो KGF एंड KGF 2 आ चुकी है जिनमें क्या था भाई, वायलेंस। भाई प्रशांत नील का स्टाइल ही अलग है, ये स्टाइल प्रशांत नील स्टाइल है, वायलेंस स्टाइल प्रशांत नील स्टाइल। पांचवें डायरेक्टर की बात करें तो राजकुमार हिरानी जिसने डंकी जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी, भाई साहब वायलेंस एक्शन मास मसाला की बीच में से उभर कर ये बंदा आया और डंकी जैसा सुपर डुपर कंटेंट लेकर आया, जो फन है जो इमोशनल है भाई, ढेर सारा इसमें वैल्यूबल लाइफ लेसन है। ऐसे सीरियस टॉपिक को उठा के इतनी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना, देन उसको कॉमेडिक वे में भाई जनता का दिल लूटना, ये सारा स्टाइल भाई राजकुमार हिरानी का है, क्यों इसके जैसे और कोई कर भी नहीं सकता था। और जितनी भी ये मूवीज आई हैं भाई साहब, इन मूवीज में अगर ये डायरेक्टर ना होते तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी मूवीज बनने वाली थी। तो ये सब शाहरुख खान की डंकी ये थर्ड मूवी थी और राजकुमार हिरानी स्टाइल में फाड़ के गई है ये मूवी। अपकमिंग मूवी मेड इन इंडिया आने वाली है जो बायोपिक ऑफ दादा साहेब फाल्के है, जो आपने फाल्के पुरस्कार का नाम सुना होगा। और जब ये बंदा बायोपिक किसी की बनाता है तो अलग ही लेवल पर फाड़ के जाता है, जो हमने संजू मूवी में देख चुके हैं भाई साहब। एक प्रीवियस मूवी की बात करें तो 3 Idiots, PK, मुन्ना भाई MBBS, संजू, लगे रहो मुन्ना भाई, मतलब इतनी ब्लॉकबस्टर मूवीज ये दे चुके हैं। और ऐसा नहीं कि ये वन टाइम वॉचेबल है, आप KGF एंड KGF 2 को एक बार देख लेंगे लेकिन दोबारा नहीं देखेंगे। लेकिन ये ऐसी मूवीज हैं राजकुमार हिरानी की 3 Idiots, PK, ये आप एक बार नहीं 10 बार भी देख लेंगे तो आपको फ्रेशनेस फील होगा। छठे एंड लास्ट डायरेक्टर की बात करें तो भाई साहब लोकेश कनकराज, ये बंदा अपने स्टाइल के लिए जाना जाता है, जो LCU कनेक्शन बैठा के बैठ रहा है भाई, जो मार्वल एंड DC वाले कर रहे हैं वो ये यहाँ पर कर रहा है। इंडियन सिनेमा में एकमात्र ऐसा डायरेक्टर है ये जो भाई साहब उस चीज़ को कॉपी करके और दमदार तरीके से अपना ही कनेक्शन, अपनी ही दुनिया, अपनी ही यूनिवर्स निकालने को सेट कर रहा है। लियो जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी थी जिसमें एक्शन मास थ्रिल एंड सस्पेंस, भाई सस्पेंस के लिए कहो तो ये बंदा A1 है। मतलब एक्शन में भाई हमें थ्रिल एंड सस्पेंस कैसे दिखाना है भाई, इस बंदे से सीखो, क्योंकि इस डायरेक्टर ने क्या आग फाड़ी है लियो मूवी के साथ। कलेक्शन 615 करोड़ के आसपास इसकी मूवी ने किया है लियो ने। अपकमिंग मूवी कैथी 2 एंड विक्रम 2 लाने वाले हैं, जिसमें कैथी में दिल्ली मेन लीड स्टार होंगे एंड विक्रम 2 में हमें कमल हसन देखने को मिलेंगे। प्रीवियस मूवी की बात करें तो विक्रम कैथी एंड मास्टर मूवी ये दे चुके हैं, जिसमें थालापति विजय और विजय सेतुपति दोनों थे मास्टर मूवी में। भाई साहब लोकेश कनकराज ये बंदा अपने स्टाइल के लिए जाना जाता है, LCU कनेक्शन, लोकेश कनकराज यूनिवर्स, क्योंकि ये बंदा अपनी मूवी को चेन बाई चेन जोड़ रहा है, जो लियो में हमें लास्ट में कमल हसन की एंट्री से देखने को पता लगा था, और विक्रम 2 में नो डाउट हमें थालापति विजय भी देखने को मिल जाएंगे। तो भाई साहब ये सारे डायरेक्टर, ये जो 6 डायरेक्टर हैं, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहे हैं अपने 2023 में, और जो ये मूवी दे के आए हैं इस बार 2023 में, ये सिर्फ इसी साल के नहीं, आगे आने वाली डेकेड्स ऑफ डेकेड्स में इनकी मूवीज़ को याद रखा जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये मूवीज इन डायरेक्टर से ना कराई जाती तो ये इतना ज़्यादा ब्लॉकबस्टर भी हो पाती। तो आपके हिसाब से कौन सा ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर है आपकी नज़र में, और किस डायरेक्टर की ये मूवी आपको पसंद आई है, और किस किस ने इन सारी मूवीज़ को देखा है, तो भाई साहब आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।